सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के ट्वीट ने घमासान मचा दिया है। उन्होंने सपा के प्रवक्ता की तरफ इशारा करते हुए ट्वीट किया है, इससे सपा में घमासान मच गया है। समाजवादी पार्टी की हार और बर्बादी के लिए कौन प्रवक्ता जिम्मेदार है, जिस पर पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान ने ट्वीट कर आरोप लगाया है। अब्दुल्ला के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर सक्रिय सपाइयों के बीच घमासान मच गया है। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से इस मुद्दे पर चुप्पी सधी हुई है। दरअसल अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट किया है कि उनके संज्ञान में सपा के एक प्रवक्ता का बयान आया है, ये वही लोग हैं जो पार्टी की हार और बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे लोगों से गुजारिश है कि वे अपने स्तर तक की बात करें, आजम खां तक ना जाएं, वरना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब्दुल्ला के इस ट्वीट के बाद से सपा में घमासान मच गया है। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कोई इसे आजम खां की शान में गुस्ताखी करार दे रहा है तो कोई आरोप लगाने वाले के खिलाफ सपा के शीर्ष नेतृत्व से कार्रवाई की मांग कर रहा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता IPC ने लिखा कि मीडिया सेल भंग है, ये बयान किसी पूर्व पैनलिस्ट ने दिया है, ये उसका निजी बयान हो सकता है। इरशाद खान और साजिद अली ने लिखा कि पार्टी की बुनियाद आजम खान ने रखी है, ये प्रवक्ता नहीं जानते और अपनी हैसियत भूल जाते हैं। इसी तरह के तमाम लोगों ने संबंधित प्रवक्ता का नाम सार्वजनिक करने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस संबंध में पार्टी की ओर से कोई अधिकृत बयान देने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।